हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मेरा नाम जान लीजिए भोला सा। भोला साहब भी डीजल मैकेनिक की तरफ से कुछ लेकर आए हैं पंप की जानकारी, जो आपके लिए बेहद अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमिंग का। तो टाइमिंग जो ये है, आपको दिख रहा होगा ये चाबी, और यहाँ पे कट का निशान दे रहा होगा। ये कट के निशान और ये चाबी को बीचों बीच ये चाबी के रखेंगे तो अपना टाइमिंग पंप का आ जाएगा। पंप का टाइमिंग हमारा मिला हुआ है। तो पंप का टाइमिंग अगर पंप के पास में नहीं मिला हुआ है तो आप लोग मिला सकते हैं इसको, चाबी को बीचों बीच और कट के ये बीचों बीच रख देना है तो हमारा पंप का टाइमिंग मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टाइमिंग मिलाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ जो है ये चीज़ को खोल लेना है। खोलने के बाद ये जब टाइमिंग आपका आ गया तो इस पाने से थोड़ा पकड़ के रखना है और उसके बाद इसको टाइट कर देना है तो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा अपना। उसके बाद चलते हैं एक्सीलेटर पे। ये एक्सीलेटर है। तो जैसे हमारा आरपीएम अगर 35 से 30 तक रखना है तो इसे ये चाकी को खोल लेंगे हम नट को, और खोल के हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले लेंगे तो हमारा 30-35 पे जाने लगेगा। अगर 30-35 नहीं जा रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, खोल कर पीछे ले लेंगे। अगर 30 से 35 से ऊपर जा रहा है तो इसको अंदर के साइड में जाने देंगे, मतलब इधर साइड में। तो हमारा 30 या 35, आपको जितना रखना हो, 35 रखना हो या 30 रखना हो तो रख सकते हैं इसको ढीला करके। उसके बाद चलते हैं आपको यह पंप का स्विच। तो कई गाड़ियाँ 12 वोल्ट की भी होती है और 24 वोल्ट की होती है। तो ये गाड़ियाँ जो है 24 वोल्ट की अगर है आपकी तो यहाँ पे 24 वोल्ट का ही स्विच लगेगा, 12 वोल्ट का नहीं लगेगा। उसके बाद चलते हैं डीजल बढ़ाने और कम बेस करने का। तो ये है डीजल बढ़ाने का। तो इसको 13 नंबर का रिंच ले लेंगे और इसको ढीला करेंगे। अगर हमको कम करना है तो पेचकस से इसको बाहर की तरफ खोलेंगे, और अगर बढ़ाना है तो इसको अंदर की तरफ टाइट करेंगे इसको, तो हमारा डीजल बढ़ जाएगा। और बढ़ाने के बाद इसको लॉक कर देना है। जब इसको ढीला करेंगे 13 नंबर की चाकी को, नट को, तो हमको अगर डीजल कम करना है तो इसको बाहर की तरफ खोल लेंगे तो डीजल कम हो जाएगा। अगर बढ़ाना है तो इसको अंदर की तरफ टाइट करेंगे तो हमारा डीजल बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम आरपीएम का। आरपीएम जैसे अगर 5 से 7 पे अगर रहता है आपका आइडल में, खड़ी गाड़ी में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चाकी को ढीला करेंगे। चाकी ढीला करने के बाद इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे इसको और परफेक्ट पे रख कर इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारा आरपीएम हो जाएगा 5 पे, और 5 पे आरपीएम रखना चाहिए हमको। और उसके बाद चलते हैं हम आपको लेकर लाइनों के बारे में। तो ये जानकारी आपको बहुत बेहद ज़रूरी है। तो ये जानकारी आपके पास रहती है तो कभी भी आपकी लाइन जैसे छुट्टा रहती है BS2 गाड़ियों में, BS3 गाड़ियों में, तो आपको लगाने में, पंप लगाने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन पूरे छुट्टी रहती हैं, नोजल लाइनें, नोजल पाइप है, और छुट्टी रहती है तो हमको समझ में नहीं आता है कि, और इधर उधर मिस्टेक हो जाता है तो हमारा क्या होता है, पिस्टन गलाने का और गाड़ी को पूरा नुकसान पहुंचाती है। तो हम परफेक्ट आपको बताएंगे किस दिशा में किस लाइन को रखना है। एक नंबर यहाँ पर आएगी, ये चीज़ आप देख लेना, ये चीज़ जो दिया हुआ है, ये पट्टी जो दिया हुआ है, 1 5 3 6 2 4, तो इस तरह का हमको रखना है लाइनें अगर छुट्टी है तो। बाकी तो अगर लगी हुई है, कंप्लीट लाइन है, अगर कंपनी की लाइन होती है तो क्या कि छुट्टा नहीं रहता है। अगर छुट्टा लाइन है तो जैसे खुला नोजल पाइपे हैं तो उस तरह का मैं बता रहा हूँ आपको, 1 5 3 6 2 4, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1 5 3 6 2 4, तो इस तरह के लगाना है हमको, 1 5 3 6 2 4। ये हो गया हमारा। और एक चीज़ और बता दो आपको, रिटर्न बोल्ट यहाँ पे लगेगा आपको। तो रिटर्न बोल्ट डालना ज़रूरी होता है। अगर दूसरे कोई बोल्ट आप डालते हैं रिटर्न के अलावा तो गाड़ी आपकी मिसिंग करने लगेगी और धुआं देने लगेगी, तो वैसे हमको गलती नहीं करना है, रिटर्न बोल्ट ही डालना है इसमें। और यहाँ पे 12 नंबर का एक पाइप आएगा, छोटा सा पाइप आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा हेड से, और इसमें लगेंगे। तो ये पाइप क्यों लगता है मैं आपको इसकी भी जानकारी बताता हूँ, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ इसको। 12 नंबर का बोल्ट, इसमें बोल्ट लगा हुआ है। इसमें क्या है, इसको हवा देती है इसमें, जैसे कि आप देखते होंगे कि टायरों में हवा रहती है तो कैसे हमारा कम रहता है तो थोड़ा दिक्कत करता है। तो इसमें हवा, सांस, मतलब जैसे हम लोग नाक से सांस देते हैं या लेते हैं, वो काम करती है इसमें। तो इसमें एक टायर जैसी भी है, मतलब रबड़ दिया हुआ है इसके अंदर में, तो इसको हमको ज़रूरी है लगाना इसमें पाइप। अगर आपकी गाड़ियाँ जैसे कि
चालू नहीं हो रही है, बंद हो गई है, अगर फ्यूज उड़ गया है, तो ये स्विच को हमको ढीला करके इसका पिस्टन आता है, स्प्रिंग आता है, निकाल लेंगे और इसको टाइट कर देंगे, इसको टाइट कर लेंगे, तो ये हमारा ये हो गया डायरेक्ट। मतलब इसमें करंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, करंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं कुछ ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमको खोलने का इसको, और इसको हमको फ्यूज उड़ गया है और हमको चालू करना है, तो बैटरी से डायरेक्ट इसमें वायर दे सकते हैं आप, तो गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। बैटरी से डायरेक्ट वायर इसमें देते हैं आप अगर, तो गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी, फिर वहाँ से आपको फ्यूज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपने डायरेक्ट कर दिया है, चलते हम उसके एक और मुद्दे पे, जब आपने इसको डायरेक्ट कर दिया है तो आपको क्या करना है, इसको 10 नंबर का पाना लेना है, इसको खोल देना है रिंच लेकर, और खोलने के बाद इसको क्या करना है, इसमें छकड़े का वायर आता है, इसमें वायर डाल के आप इसको बंद कर सकते हैं, इससे गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से आपको मैं लाइन के बारे में समझा दूं, 1, 5, 3, 6, 2, 4, तो ये हमारा नोजल लाइन लगेगा, मतलब 15, 36, 24, ठीक है, 1, 5, 3, 6, 2, 4। उसके बाद फ्रेंड हमको क्या करना है, जब आप लोग पंप फिट कर रहे हैं तो ये 22 नंबर की जो चाकिया है इसको टाइट करना है, और जब आपका गाड़ी के अंदर पंप कंप्लीट हो जाएगा तो इस चीज़ को खोल लेना है, 10 नंबर के पानी से खोलकर ये 3 नट टाइट करना है, 22 नंबर का चाकी टाइट करने के बाद ये 3 नट टाइट जब हो जाएगा, 22 नंबर का चाकी आपका टाइट हो जाएगा, तो इसको ढीला कर देना है, और ढीला करने के बाद ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से आएगा, इसके अंदर बैठ जाएगा, तो आपका पंप कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा गाइस वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।